What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 14 फरवरी 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:15 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट दिन है, फ्राइडे है, तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसके बाद निफ्टी के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एक पिक्चर है कल का, यानी 13 फरवरी आफ्टर मार्केट आरसी पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,218 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,187। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन ही हुआ हमारे ब्रेकआउट लेवल के पास और यहाँ से जैसे ही ओपन हुआ ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ। तो जैसे ही हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ उसके बाद फर्स्ट टारगेट 12,172 ये अचीव हुआ। कुछ समय यहाँ पर एक पॉज लिया और इसको ब्रेक करने के बाद 12,156 ये सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ। तो इस लेवल के पास ये काफ़ी देर तक एक पेनेट्रेट कर रहा था इस लेवल को, और इस लेवल को भी ब्रेक करने के बाद कुछ और साउथ की तरफ ये मूव हुआ। उसके बाद इसने यहाँ पर ये राउंडिंग बॉटम्स जैसा यहाँ पर ये पैटर्न बना दिया है और ये एक बुलिश पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, 10 मिनट की चार्ट में बनाया, हालांकि शॉर्टर टाइम फ्रेम है लेकिन ये बुलिश पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ से हमें फिर से एक बार एट द एंड ऑफ द मार्केट एक फिर से ये ऊपर की तरफ जंप आते हुए देखा। तो ये कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार यूएस मार्केट में देखे तो नाजडैक और डाउ जोन्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, हालांकि वहाँ पर भी 2-3 दिनों से ज़बरदस्त तेजी चल रही थी, तो ये हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन देखने को मिले। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहाँ पर भी कल काफ़ी कमजोरी देखने को मिली। एशियाई बाजार आज जब खुले हैं तो एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव नोट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, 34 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और चाइना मार्केट भी हल्के से हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल 23 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं, एशियाई मार्केट आज पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। चलते चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी का पहले एनालिसिस करेंगे फिर जाके निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यह बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। अभी यहाँ पर यह जो बजट के बाद फॉल आया था उसके बाद यहाँ पर यह इसने एग्जैक्ट 50 एमए के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा दिया। तो यहाँ पर यह जो फॉल आया था तभी हमने यहाँ पर यह फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर इसका 61.8% का ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 50 EMA तभी इसी लेवल के पास आ रहा था, तो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास से इसने बाउंस बैक दिखाया 61.8%। तो अभी ये जो फॉल आया था उसके बाद ये बाउंस बैक आया है, तो इस फॉल का अगर हम 61.8% का लेवल देखें तो वो भी एग्जैक्ट हम देख सकते हैं अचीव्ड हो चुका है। लास्ट वीक जब फ्राइडे को हम एनालिसिस किया था तभी फ्राइडे को ही इसने ये लेवल को अचीव कर लिया था। तो अभी ये फिर से एक बार 20 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है वीकली चार्ट में, ये पॉजिटिव नोट है। हालांकि इस वीक का ये कैंडल देखें तो अभी भी यहाँ पर इनडिसिजिव पैटर्न है, यानी आज लास्ट डे बाकी है फिर भी यहाँ पर देखें तो एक दोजी कैंडल स्टिक जैसा फॉर्म हुआ है, यानी ओपन जहाँ पर हुआ है वहीं अभी तक इसने ट्रेड लगभग किया है, क्लोज अभी तक ओपन के जगह पर ही है। तो यहाँ पर इनडिसिजिव पैटर्न है। अगर ये अगर हम स्विंग हाई लो मान ले, ये ऊपर हाई गया ये फिर से स्विंग आ गया, तो इसको पकड़कर अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन को अगर यहाँ पर ड्रॉ करें, क्योंकि आने वाले लेवल्स को हम इस टूल के जरिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो इसका 38.2% का लेवल इसने ऑलमोस्ट अभी यहाँ पर अचीव कर लिया। तो ऊपर अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है 31,500 तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी टारगेट बन सकता है 32,134 का। तो इस टूल के जरिए हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर नीचे ये 20 EMA 23.6% के लेवल के पास आ रहा है जो कि 30,800 का लेवल है,
इस लेवल के नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी चला जाता है तो यहाँ से हमें फिर से करेक्शन यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल ऊपर की तरफ 31,500 का हर्डल है और नीचे सपोर्ट बनता है 30,800 के पास। तो ये दो लेवल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन एज हम मार्क कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। ये वीकली चार्ट देख रहे, चलते हैं हम डेली चार्ट में बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर देखें तो कल यहाँ पर एक बियरिश कैंडलस्टिक बना है, जो कि यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉर्म करता है, यानी प्रीवियस जो बुलिश कैंडल है इसको इसने पूरा कवर कर दिया। लेकिन अगर देखें नीचे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दो मूविंग एवरेजेस का, 50 EMA और 20 EMA, ये अराउंड अभी 31,100 के पास है। लास्ट भी देखे दो तीन दिन पहले यहाँ पर इसने एक सपोर्ट टेस्ट किया था, और ये अगर सपोर्ट टेस्ट करता है तो नीचे 30,800 का, जहाँ पर ये 100 EMA आ रहा है डेली चार्ट में, ये ग्रे लाइन, तो यहाँ पर भी कुछ दिनों पहले जबरदस्त इसने सपोर्ट टेस्ट किया था, बजट के दिन इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पर 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा था। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अगर इसे 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पर इसने इसका सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखा दिया था। तो अभी फिलहाल अगर ये 20 EMA और 50 EMA को ब्रेक करता है तो 30,800 नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, और ऊपर की तरफ ये 38.2% के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 32,134 के लेवल सचीव होते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस, चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये वीकली चार्ट है, जैसे कि कल के वीडियो में भी हमने यहाँ पर मार्क किया था, ये जो बियरिश कैंडलस्टिक बना है दो वीक पहले, इसका हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, दो वीक ये ले रहा है ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है इसको कवर करने के लिए, हालांकि एक ही दिन में इतना बड़ा बियरिश कैंडलस्टिक बना था। अभी इसका हाई जो है यहाँ पर हर्डल का काम कर रहा है, आज लास्ट डे है, अगर इसके ऊपर सस्टेनेबल मूव आता है तो निफ्टी इंडेक्स हमें और भी ऊपर की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये फिलहाल है वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। ये है डेली चार्ट, डेली चार्ट में कल भी हमने यहाँ पर एक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, ये हेड हो सकता है और ये राइट शोल्डर हो सकता है। तो अभी ये पैटर्न बन चुका है, हालांकि इसका ये जो नेक लाइन बन रहा है, ये नेक लाइन बन रहा है, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तो हमें यहाँ पर ऊपर प्राइस एक्शन में जबरदस्त अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे सकती है। अभी फिलहाल ये नेक लाइन को एज अ हर्डल, एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर ये फेस कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो प्राइस एक्शन में भी जबरदस्त बढ़त देखने को मिलेगी। कल का कैंडल देखे तो ऑलमोस्ट इनसाइड बार ट्रेडिंग था, यानी ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है इसके हाई और लो के बीच में ही यह ट्रेड कर रहा था, यानी यहाँ से जो दो दिन पहले यहाँ से जो बुलिश अपसाइड मूव आया है, एक जंप आया है, ये अभी तक यहाँ पर कंटिन्यू है ऐसा कह सकते हैं। तो इसका हाई अगर ब्रेक करता है और यहाँ पर नीचे भी उसी तरह से सेंटिमेंट्स अगर हमें दिखते हैं, ये नेक लाइन को अगर ब्रेक करता है तो जबरदस्त तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है। हमने यहाँ पर फिबोनाची ये रिट्रेस एक्सटेंशन लेवल को भी ड्रॉ किया था, ये जो लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के, तो इसका भी 38.2% का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो चुका है, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट 12,263 का होगा एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। तो यहाँ पर अभी एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, तो देखते हैं आज निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर ऊपर का ये हाई ब्रेक करता है तो निफ्टी और भी यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स जैसे कि हमने एक स्क्रीनशॉट में देखा कल के एनालिसिस का रिव्यू करते वक्त, यहाँ पर राउंडिंग बॉटम्स बने थे, तो इसका जो लो बन रहा है उसी के नीचे S1 का ये पिवट पॉइंट का लेवल है, तो ये आज हमारा बन सकता है ब्रेकडाउन लेवल। तो अगर इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स चला जाता है 12,133 के नीचे, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं।
और तभी हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट बन सकता है अराउंड 12,120, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और सेकेंड टारगेट हो सकता है ये ब्लू लाइन यानी 50 EMA का ये एवरेज लाइन हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है जो कि 12,107 के पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट में इसने यहाँ पर सपोर्ट उसके बाद रेजिस्टेंस फेस किया था, तो ये हमारा आज के लिए हो सकता है सेकेंड टारगेट। और अगर ऊपर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो कल का यहाँ पर इसने एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की है तो उसका ये जो हाई बन रहा है लास्ट हाफ एन आवर के कैंडल का ये पिवट पॉइंट के लेवल के पास आ रहा है यानी 12,180 के पास। इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है 12,196, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और सेकेंड टारगेट हमारा होगा 12,211, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो 12,196 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,211 का। अगर ज़्यादा ही गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रेड लेना होता है, ये हम प्री प्लान स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो फ्रेशर्स बिगिनर्स अवॉइड करें ट्रेड करना, काफ़ी रिस्की होता है इसके मार्केट में ट्रेड करना। तो ये है हमारे आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। So thank you very much and happy trading and happy weekend.